नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अपनी वायलिन की बो को अच्छे से सही तरीके से बजाना सीख लिया, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर आप ये मान लीजिए कि आपने 50% जो है वायलिन को सीख ही लिया। जी हाँ, तो आइए फिर देर किस बात की, जल्दी से ये 50% वायलिन को सीखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी गाना गाना चाहते हैं, आप भजन गाएंगे, कुछ भी गाएंगे, तो सबसे ज़रूरी क्या है, वो है आपकी सांसें। तो अगर आपका सांसों पे अच्छा कंट्रोल है, तभी तो आप गा पाएंगे ना। वैसे ही अगर कोई बांसुरी बजाता है, तो बांसुरी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, वो है उसकी सांसें। भाई फूंक निकलेगी तभी तो आवाज़ आएगी ना। ठीक उसी प्रकार वायलिन की जो सांसें हैं, वो है उसकी बो। तो आपको इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसको कभी हल्के में मत लेना। चलो अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, और फिर अगले लेसन के अंदर मैं आपको इसका रियाज भी करवाऊँगा, एक रियाज का लेसन भी बनवाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपने वायलिन को पसा पसा ट्यूनिंग में ट्यून कर रखा है। ट्यूनिंग की जानकारी नहीं, पसा पसा क्या होता है, तो ये सब मैंने सिखाया हुआ है पहले वाले लेसन में, जाओ देखो सीखो। तो दोस्तों, जो पहली एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। काउंटिंग 1, 2, 3, 4 की करनी है, लेकिन किस स्पीड में करनी है वो आपको अभी सीखना पड़ेगा मुझसे, ठीक है। तो मेरे साथ गाना 1, 2, 3, 4 की काउंटिंग और उसी स्पीड को मैच करना। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, समझ गए ना। इससे फास्ट बिल्कुल नहीं करना और इससे बहुत स्लो बिल्कुल नहीं करना, ये एक परफेक्ट स्पीड है आपको ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवाने के लिए, समझ गए ना। तो अभी अपनी बो को पकड़ा, पहले मैं आपको एक्सरसाइज सिखा दूंगा आज के इस लेसन में, फिर अगला जो लेसन आएगा उसमें मैं आपको रियाज कराऊंगा इन दोनों एक्सरसाइज का, ओके। तो उसमें और मज़ा आएगा कि मेरे साथ बैठ के आपको रियाज करना पड़ेगा, उससे पहले सीख लो, लेकिन थोड़ा बहुत खुद से प्रैक्टिस करके आना। तो हर स्ट्रिंग पे 1, 2, 3, 4 की काउंटिंग करनी है और पूरी बो को यूज़ करना है, समझ गए। पूरी बो को यूज़ करने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, पूरा यूज़ करना है बो को, है ना। बहुत से लोग ऐसे बीच बीच में करते हैं या नीचे यूज़ करते हैं, वो गलत है। आपको हर तरीके से बो को तैयार करना ही पड़ेगा, तभी तो अच्छे से वायलिन की आवाज़ निकलेगी ना सर। तो बो को सही से पकड़ा, बो को कैसे पकड़ना है सब सिखा रखा है मैंने पहले वाले लेसन में, ओके। तो बो को पकड़ा, पोजिशन ली अपनी, कमर को सीधी रखा, और फिर वो काउंटिंग ध्यान रखना। काउंटिंग क्या थी, 1, 2, 3, 4, स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, यानी कि पूरी काउंटिंग में मैंने पूरी बो को खत्म कर दिया है, ओके। वापस देखना, 1, 2, 3, 4, स्ट्रिंग चेंज, 1, 2, 3, 4, स्ट्रिंग चेंज, 1, 2, 3, 4, स्ट्रिंग चेंज, 1, 2, 3, 4, नाउ रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, समझे। तो हमने नीचे से लेके ऊपर तक पूरी बो को यूज़ किया, 1, 2, 3, 4 की काउंटिंग अपने मुंह से गाई, या फिर आप कुछ देर बाद मन में भी गा सकते हैं उसको। उसी स्पीड में आपको चारों स्ट्रिंग पे इसका प्रैक्टिस करना है, तो कम से कम 5 से 10 मिनट ये प्रैक्टिस करना ही करना है, समझ गए ना। दूसरी एक्सरसाइज, अब आपको क्या करना है कि
सेम स्पीड रहेगी, सेम काउंटिंग रहेगी, लेकिन पूरी बो यूज करनी है। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इन दोनों एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है उसको ध्यान से समझ लो। सबसे पहले तो आप जो भी स्ट्रिंग बजा रहे हैं केवल उसी स्ट्रिंग की आवाज आनी चाहिए, दूसरे स्ट्रिंग की आवाज नहीं आनी चाहिए। ऐसा देखो एग्जाम्पल के लिए, ऐसा नहीं, अगर मैं फोर्थ स्ट्रिंग प्ले कर रहा हूं तो उसी की आवाज आएगी, थर्ड स्ट्रिंग प्ले कर रहा हूं तो केवल उसी की आवाज आएगी। तो आपको जिस स्ट्रिंग पर बो को चलाना है उसी स्ट्रिंग की आवाज आए, ठीक है। एक और बात आपको ध्यान ये रखनी है कि आपकी जो बो है वो प्रैक्टिस करते करते नीचे ना उतर जाए। आपकी बो ब्रिज से लेके ये फिंगर बोर्ड, ये जो है ना इसका एंड, इसके बीच में चलनी चाहिए। ये मैंने डिस्कस किया है पहले वाले लेसन के अंदर, देख लीजिए, यहां से लेके इसके बीच में आपकी बो चलनी चाहिए, तो सेंटर में चलेगी, अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करते वक्त क्या होगा कि आपकी बो अपने आप नीचे उतर जाएगी, सबके साथ होता है, घबराना मत, इसको बस बात को दिमाग में रखना, भूल नहीं जाओ। पता पड़ा प्रैक्टिस करे जा रहे हो, घिसे जा रहे हो, घिसे जा रहे हो, और फिर क्या हुआ, देखा तो आपकी बो पूरी नीचे आ गई। ऐसी गलती मत करना। और तीसरी बात जो है कि अपनी काउंटिंग को फास्ट नहीं करना, इसी काउंटिंग में करना है। थोड़ा सा और स्लो कर सकते हो तो चलेगा, लेकिन काउंटिंग को फास्ट बिल्कुल नहीं करना। तो दोस्तों ये तीन बातों का अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगले लेसन के अंदर हम लोग मिलने वाले हैं और रियाज करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज का, तो बैठ के हम लगातार 10 मिनट तक मैं आपको यही प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो एक अच्छा सिंसियर स्टूडेंट बनना, अच्छी तरीके से सीखना, और आप मुझसे भी अच्छा बजाओ, यही मेरी प्रार्थना है। सांसों पे नियंत्रण करना है, वायलिन की सांसों पे नियंत्रण करना है। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, वायलिन बजाते रहिएगा। जय हिंद और जय भारत।